यहाँ पे मेरे बेबी ने पहन लिए हैं नए जूते जूते जूते। अरे वाह, ओहो बेबी जूते बहुत बड़े नहीं है। अरे देखना कमर ना लचक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आ गया हूँ अपनी शूटिंग रेंज से। बेबी को पहले बोल देता कॉफी बनाने के लिए। बेबी कॉफी बना रही है, एकदम लग रही है कॉलेज गर्ल। इधर आ कॉलेज गर्ल। ओ माई गॉड द स्लिम ट्रिम बेबी। बेबी सही में पतली हो गई बहुत ज्यादा। पता लग रहा है थोड़ा? हाँ थोड़ा नहीं बहुत पता लग रहा है। अभी तो शुरू हुआ है बट आई एम श्योर रिजल्ट आएंगे आएंगे। शुरू हुए रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। ये देखो मेरा आज का टारगेट कार्ड। बेबी ये तो बहुत कमाल कर दिया। हाँ, ये अभी तक का बेस्ट कार्ड है। एक दो शॉट्स थोड़े इधर उधर चले गए बट फिर भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। इतना तो कभी तुमने अच्छा नहीं मारा। ये तो बिल्कुल ही मतलब ग्रुप है। एक दो यहाँ पे गए हैं बट यार ये एक दो को आप गया तो इसके अंदर ही है। पहले तो इसमें उबासी आ गई थी थोड़ी सी ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेबी। सुपर्ब, आई एम प्राउड ऑफ माय बेबी। मैं मेरे बेबी के लिए मेडल ला के दूंगा। डायमंड की रिंग ला के दो। अरे मैं मेडल की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में रिंग से कंपेयर कर दिया मेडल को। मेरे को नहीं पता, वो तो है ही। हाँ, ये भी है। अपनी टी शर्ट में छेद था जैक एंड जोन्स की, चेंज करवाने पहुंचा। हाँ। सर मॉल तो अभी 11 बजे खुलेगा। ओ अच्छा, सुबह सुबह पहुंच गए तुम। पी लो कॉफी, मैं जाऊँ क्या नीचे? मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है जी। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। काफी तो कर लिया, 4 सेट कम्प्लीट कर दिया और उसके बीच में देख लो ये हो क्या रहा है। ये नहीं छोड़ता, ये इधर से उधर कुछ ना कुछ ना चक्रमबाजी कर रहा है। ये देखो ये देखो। ओए गधे, खाना वाना खा के ना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया सर ये। अब ये जितनी देर मैं रहूंगी ना यहाँ पे, जितनी देर एक्सरसाइज करती रहूंगी, ये यहीं पे बैठा रहेगा, यहीं पे खेलता रहेगा, कुछ कुछ जाएगा नहीं। मानेगा नहीं तू? तो जी यहाँ पे मेरे बेबी ने पहन लिए हैं नए जूते जूते जूते। अरे वाह, ओहो बेबी जूते बहुत बड़े नहीं है। अरे देखना कमर ना लचक। ये बहुत बड़े नहीं है बेबी जूते? नहीं नहीं, लेकिन कैसे देख के लग रहा है क्या? बहुत बड़े, देख के बहुत बड़े लग रहे। मतलब मेरी बॉडी पे सूट नहीं कर रहे क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी और के जूते पहन लिए तुमने, एलियन के। ठीक लग रहे हैं तुम्हें? परफेक्ट आ रहे हैं? मेरे को तो परफेक्ट। तेरे को ये जो अंगूठा है ना, हाँ यहाँ टच हो रहा है, यहाँ इससे आगे कहाँ टच होगा? करेक्ट है, फिर तो नहीं, फिर तो यही है जूते। वो तुम्हें बच्चा देख के कितना खुश हो रहा है, देखो ना बेबी, बच्चा बहुत खुश हो। बेबी तुमने उसको प्यार नहीं किया, वो तुम्हें देख के बहुत खुश हुई है। पापा का बीटा भाई, पापा के पास नए शूज आए ना। शूज तो छुंछा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बेबी इसको जूते पे रख के देखना, ये जूता बड़ा है या छुंछा बड़ी है? पापा का जूता बड़ा है कि आप बड़े हो? नहीं नहीं, गलत बिठाया ना उसको। इस समय तो वो लंबी लग रही है लेकिन मेरे हिसाब से जूता ज्यादा बड़ा है। अब कौन है? आये मामा, मामा, ले मिला बच्चा। कौन बड़ा है देखो? तेरी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तो है, ठीक लग रहा है। हाँ हाँ, नीचे जूते मैं चप्पल पहनूंगी ना नीचे। कौन सी वाली? नॉर्मल मेरी ऑर्थोडॉक्स पहनूंगी ना। ठीक है पहनो। ये ठीक है थोड़ा? अभी ये देखो मैंने ये भी लूज हुई थी। हाँ तो बाहर से देख के पता चल रहा है, पता लग रहा है। इन कपड़ों में ये शर्ट नहीं आती थी मेरे को। हाँ 4 वीक्स और तुम देखो पुराना शादी में जैसी लगती थी वैसी लगोगी। हाँ हाँ, लेकिन 4 वीक्स नो चीटिंग इन वर्कआउट एंड डाइट। हो सकता है मुझे आज वापस आने में थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि आज सिमरा और वसीम की एनिवर्सरी है। मतलब एनिवर्सरी तो कल थी लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं, तो हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि भूखा रह जाए। सुबह का खाना तो दे दिया था लेकिन अभी पहले से देके रख रही हूँ, मतलब सेफ साइड के लिए। वैसे तो मैं आ जाऊंगी तो मैं आके दूंगी जितनी भी लेट आऊं, क्योंकि ये ना मेरा वेट करता है। मैं आपको बता नहीं सकती ये बच्चा मेरा कितना वेट करता है।
मैंने इतना प्यार किसी को देते हुए नहीं देखा। सो मेरे को इसके लिए ना वापस मैं आऊंगी और फिर इसको खाना वाना दूंगी, वरना अगर लेट हो गई तो फिर अमिता को बोलूंगी कि इसको खाना दे दे। कितना प्यारा बच्चा है यार, मेरे को इम्प्रेस करने के लिए ना ये क्या क्या करता है पता है, बहुत कुछ करता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए। अरे वो भी आ गई, अरे बाबा तेरे लिए नहीं लाई थी मैं, सुबह खिलाया तो था तेरे को, अभी नहीं है बाबू, अभी नहीं है मेरे पास, इसका खाना है तो खा ले, अब खा ले भूख लगी है। तो ये डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग परफ्यूम खरीदेंगे, अभी देखते हैं कौन सा परफ्यूम लेते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आता गिफ्ट के मामले में ना, मेरे को परफ्यूम ही समझ में आता है, मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है तो किसी को तो अच्छी लगेगी, सभी को अच्छी लगेगी, फ्रेग्रेंस किसको बुरी लगती है, और वो सारा सेफ खेलना होता है, मतलब बजाय कि वो गिफ्ट दे दो जो किसी के काम का ही नहीं है ना बेबी। ज्यादा बोले नहीं कुछ इस बात पे, नहीं मुझे लग रहा है कि अब आपको परफ्यूम पसंद है, इसका मतलब थोड़ी सबको पसंद है। तो फिर क्या दूं, फूल जो दो दिन में कीचड़ हो जाए? भाई गिफ्ट के मामले में मुझसे तो कोई बात ही नहीं, अगर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए सेफ खेलो परफ्यूम ले लो, परफ्यूम लेंगे। और डिसाइड ऐसा हुआ है कि मे बी अभी नहीं मिलेंगे हम लोग, शाम को मिलेंगे ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है। तो बिल्ली को जल्दी खाना दे दिया, वो खा भी गई। अभी ये हुआ है कि सारा शायद शाम का जो है, दोबारा बोलो, बहुत फंबल करा आपने, फंबल मारा। तो कुछ ऐसा है कि शाम को मिलेंगे इन शॉर्ट। जी हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर और अब कुछ खरीदारी होगी, वो क्या होगी मुझे भी पता नहीं। एक बार पहले मैं ना सिमरा को फोन करके पूछ लूँ, इससे बेटर है ना कि पूछ ही लो कि क्या चाहिए। बेटर रहता ना, अननेसेसरी कोई चीज खरीदने से बेटर है कि आप पूछ लो कि भैया आपको क्या चाहिए, पूछो पूछो। ओ ये भी अच्छा है, शायद उसको ये अच्छा लगे, फॉरेस्ट एसेंशियल। एक सेकेंड, ये मेरे को फ्री मिल रहा है, फ्री है ये गिफ्ट है, क्या हो गया? दिस इज लाइम बिजनेस मैंडरिन का 1.5 ml परफ्यूम सैंपल। अच्छा, मेरा ये दोनों गिफ्ट इसी में पैक कर दिए ना, ये इसी इसी में इसमें ये भी कर दो, हाँ इसी में ऐड कर दो। ये हमारे गिफ्ट तो हमने ले लिए, ऊपर नीचे जा गया, ऊपर जाना है तो ऊपर जाना। अविनाश कह रहे हैं मैं तुम्हें स्वारोवस्की लेके जाऊंगा, क्या हुआ आप ही तो बोल रहे थे बेसमेंट में आए, मुझे लगा कि अब बोलता हूँ तो गाड़ी आ चुकी है पास में, क्योंकि यहाँ चलो लिफ्ट वापस ऊपर ले ली, ये चली लिफ्ट वापस ऊपर। सरोवस्की मेरे कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया, मैंने जानबूझ के बेसमेंट में जाते हुए बोली थी ये बात कि मना कर देगी क्योंकि इसके पैर में दर्द हो रहा है, अभी बोली कि मैं चलती हूँ बेबी मेरे से बैठा नहीं जा रहा, और जैसे ही नाम सुना यहाँ का फट से बोला भैया लिफ्ट ऊपर ले लो। अरे औरतों के लिए ज्वेलरी स्टीरॉइड्स का काम करती है, मैं पहनती नहीं, तुम्हें पता है मैं पहनती नहीं, मेरे दोस्तों को पता है अच्छी तरह से। फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से गिफ्ट्स लेके, टिम हॉर्टन्स आज तक नहीं गए, क्या है टिम, क्या हॉर्टन्स, टॉम एंड जेरी जो भी है, टॉम एंड जेरी नहीं टिम हॉर्टन्स, हम लोग नहीं जा पाए थे ना उस दिन, दोस्तों नहीं गए थे, तो आज जा रहे हैं हम लोग, आज जा रहे हैं, देखते हैं क्या बवाल कॉफी है वहाँ पे ऐसा जिसका इतना बवाल मचाया हुआ है, और इतना कुछ दिखा दिखा के कि बेबी ये ले लो वो ले लो, और लेके कुछ नहीं दिया इसने मुझे, इंटरेस्टिंग नहीं था कुछ, मजेदार नहीं लगा मुझे। वही ना, पैसे जब जाते हैं तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आते हैं तो सब अच्छा लगता है, पैसे आते तो गोबर भी अच्छा लगता है। नहीं नहीं आपको मिलेगा, आप चिंता मत करो, सब्र का फल मीठा होता है, मैं खुद भी कमाती हूँ, मैं खुद ले सकती हूँ, तो तुमने क्यों नहीं लिया? जब लेना होगा जब मेरे को लेना होगा मैं लूंगी, आज तो तुमने दिलवाना था ना, मैं तो आज मेरे, कौन सा मेरा था तो मेरे दुबे साहब, मैं इतने साल आपके बिना जी हूँ, मेरी जिंदगी आपके बिना रही है, मैं कर सकती हूँ अपना गुजारा, आज क्यों नहीं किया वो गुजारा? आज नहीं कर पाई, आज करने के मूड में नहीं थी मैं, ठीक है, मैं तो देखना चाह रही थी कि तुम लेके देते हो कि नहीं, और मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम लेती हो कि नहीं, अब मैं तो ले लेती बेबी, तुम देने वाले तो मैं भी ले लेता बेबी, लिया क्यों नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था और मैं तुम्हें, दोनों एक दूसरे को देखते देखते बाद में हम निकले तो दुकान वाले ने गाली दी दोनों को कि आए थे दो कंजूस, हाँ। कि सारे ज्वेलरी निकलवा ली, लिया कुछ नहीं, तो पहुंच गए आज भी पार्किंग नहीं मिल रही, इतने दिन हो गए इसको खुले हुए फिर भी नहीं, वैसे तो खाली पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं, कैट फूड है, नहीं नहीं डॉग फूड है। तो जी टिम हॉर्टन्स की कॉफी हम दोनों ने पी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें दो तीन और ट्राई करनी पड़ेगी, हमने शायद गलत रोज ट्राई कर लिया इसलिए बहुत ज्यादा मजा आया नहीं, तो और किसी दिन ट्राई करके फिर आपको रिव्यू देंगे, कुछ और रोज ट्राई करेंगे, उसके
बाद पता लगेगा। तो जी जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे आज जाना है और मैं निकल रही हूँ सिमरा से मिलने के लिए, हबीबी के मम्मी पापा से मिलने के लिए। तीनों बच्चों को नहीं ले जा सकती, मैं सिर्फ कैंडी को लेके जा रही हूँ। इन दोनों को नहीं लेके जा रही, इन दोनों को अमिता हैंडल करेगी क्योंकि मैं इस समय अकेली जा रही हूँ और मैं अपना पैर का ध्यान रखूं। मुझे भी देखना है। अविनाश बाद में ज्वाइन करेगा लेकिन मेरा दिल है कि मैं कैंडी को लेके जाऊं, थोड़ा सा कैंडी को अपना मी टाइम दे दूं। तो ये चली कैंडी के साथ मैं। हाँ देख अमिता ध्यान रखना है, मैं अब आपको सीधा पहुंच के मिलती हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा बारिश वारिश भी है, पैर पैर का भी तकलीफ है ना, तो सबको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। फिर मुझे गाड़ी भी चलानी है, फिर ये सब भी करना है, क्या क्या ही करूं। तो अविनाश बाद में ज्वाइन इन करेगा, मैं अभी आपको मिलती हूँ। आपको इसी से पता लग जाएगा कि बाहर कितनी हवा चल रही है, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे की फ्रॉक ही उड़ गई है, बच्चा ही नंगा हो गया, बच्चा भी उड़ गया। तो जी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और इसको देख लो, और अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा है, सिर्फ ये और मैं गुलाटियाँ खा रहे हैं यहाँ पे बैठी हूँ बस। कैंडू वापस आ जाओ मामा के पास, मामा तू भी चाचा यहाँ पे आ जाओ, गुंडागर्दी नहीं। तो जी दोस्तों, संभावना ने बोल दिया था कि भाई कैंडी को ले आई हूँ, चुंचा को ले आओ, चुंचा अकेले होगी, चुंचा को भी ले आए हैं और अब यहाँ से डिनर करके निकल गए। इसने तो कुछ नहीं किया, इसने सूप पिया है, मैंने डिनर किया, वो हो गई रात, हम लोग निकल रहे हैं और पहुँच रहे हैं घर। तो जी हम लोग आ गए घर पे और ये देख लो हबीबी के मम्मी पापा ने और क्या दे दिया है कि हबीबी और अलबी का एक नई कुर्सी, पॉपकॉर्न चेयर, कह रहे हैं वो इस पे बैठते नहीं है। अरे वो बैठते नहीं है, नहीं ये इनको बहुत लड़ते हुए देखा है ना उन्होंने। नहीं वो बैठते होंगे, उन्होंने फिर भी दे दिया। फिर भी दे दिया उन्होंने, वो तो इतने दिलदार लोग हैं कि पूछो मत। मेरे को तो लगता है कि हबीबी के पापा का नाम ना कर्ण होना चाहिए था, दानवीर कर्ण, वही है वो, है ना। ये देखो ना हाथी के सूंड में से वो झरना भी निकल रहा है, उसमें फुहारा मारा है। तो हबीबी अलबी की कुर्सी पे कब्जा कर लिया।